नमस्कार। आज जो ऐलान मैं करने जा रहा हूँ उसका असर केवल दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था नहीं, मैं समझता हूँ कि भविष्य में हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। आज हम लोगों ने दिल्ली की कैबिनेट में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन की अप्रूवल दे दी है। दिल्ली में अलग से अब एक दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया जाएगा। ये कोई मामूली बोर्ड शिक्षा बोर्ड नहीं है, जैसे हर राज्य का अपना एक शिक्षा बोर्ड होता है। तो ऐसा नहीं है कि अब दिल्ली में हमारी सरकार है तो हमने तय किया कि हम भी एक अपना अलग शिक्षा बोर्ड बनाएंगे, ऐसा नहीं है। ये शिक्षा बोर्ड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस शिक्षा बोर्ड के जरिए हम क्या हासिल करना चाहते हैं? पूरा देश देख रहा है कि पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। पिछले 6 साल में सबसे पहले हमने ये यात्रा शुरू की कि हमने दिल्ली के बजट का लगभग 25% हर वर्ष बजट का 25% पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च करना चालू कर दिया। इससे क्या हुआ? सरकारी स्कूलों की शानदार बिल्डिंग बनने लगी, स्कूलों के अंदर अच्छी लैब्स बनने लगी, स्कूलों के अंदर अच्छे कमरे बनने लगे, स्कूलों के अंदर अच्छे ऑडिटोरियम बनने लगे, स्कूलों में स्विमिंग पूल्स बनने लगे, स्कूलों की साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी होने लगी, स्कूलों की सिक्योरिटी अच्छी होने लगी, स्कूलों के अंदर टॉयलेट्स अच्छे हुए, स्कूलों के क्लासरूम्स के अंदर अच्छे डेस्क आने लगे, अच्छे ब्लैक बोर्ड्स आने लगे। एक तरह से पूरा जो सरकारी स्कूलों का ढांचा था जो कि हीन भावना से ग्रसित था, प्राइवेट स्कूलों के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, सरकारी स्कूलों के बच्चों के अंदर एक हीन भावना होती थी, जब सरकारी स्कूलों पर हमने 25% बजट खर्च करना चालू किया तो सरकारी स्कूलों का पूरा काया पलट होने लगा। दूसरा बड़ा परिवर्तन हमने किया कि अपने टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को बहुत बड़े स्तर के ऊपर हमने ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। हमने उन्हें कैम्ब्रिज भेजा, सिंगापुर भेजा, फिनलैंड भेजा, अमेरिका भेजा, कनाडा भेजा, आईएम लखनऊ भेजा, आईएम अहमदाबाद भेजा। हमारे ढेर सारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स वहाँ से ट्रेनिंग करके लौटे। हमने अपने बच्चों को फॉरेन भेजना चालू किया। हमने अपने बच्चों को केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के ओलंपियाड के लिए विदेशों में भेजा। हमारे बच्चों ने भारत का नेतृत्व किया और कई जगहों से हमारे दिल्ली के बच्चे मेडल जीत के लौटे। जब ये टीचर्स और बच्चे वापस लौटे तो इनके अंदर एक ज़बरदस्त आत्मविश्वास था और कुछ कर गुजरने की इच्छा थी। तीसरा हमने बड़ा परिवर्तन किया कि हमने अपने प्रिंसिपल्स को एम्पावर किया। अभी तक हर स्कूल के अंदर दिल्ली सरकार का डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता था, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। स्कूल में कुछ भी खरीदना है, स्कूल में कुछ भी रिपेयर कराना है, सरकार से परमिशन लो। कई कई टीचर्स की पोस्ट कई कई सालों तक खाली पड़ी रहती थी। अब हमने प्रिंसिपल को पावर दे दी। प्रिंसिपल की पावर 5,000 रुपये से बढ़ा के 50,000 रुपये कर दी और उसको पावर दे दी कि अगर सरकार किसी टीचर की अपॉइंटमेंट रेगुलर नहीं कर पा रही तो वो एक सेशन के लिए बाहर से किसी टीचर की अपॉइंटमेंट करके अपना बच्चों की पढ़ाई सफर नहीं होनी चाहिए। हमने हर स्कूल के अंदर एस्टेट मैनेजर्स की नियुक्ति की। कई नए प्रयोग किए गए। सरकारी स्कूलों के बारे में कहा जाता है कि 5वीं क्लास तक भी बच्चे आते आते उनको ना अपनी किताब पढ़नी आती है, ना अपना एक लाइन पढ़नी आती है, ना गणित के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। उनको तैयार करने के लिए हमने मिशन चुनौती और मिशन बुनियाद जैसे कार्यक्रम, नए नए प्रयोग शुरू किए। हैप्पीनेस करिकुलम लेके आए जिससे बच्चों को मेडिटेशन कराना सिखाते हैं, बच्चों के इंटरपर्सनल रिलेशंस अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं, बच्चों के इमोशनल
नीड्स पूरे होते हैं। हैप्पीनेस करिकुलम लेके आए एंड एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम लेके आए। तो इस तरह से कई सारे प्रयोग पिछले 6 साल के अंदर किए गए, जिसकी वजह से आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 98% आने लगे हैं, प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा नतीजे आने लगे हैं। हमारे बच्चों का इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन होने लगे हैं। पेरेंट्स को भरोसा हो गया है कि अब हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर, उनका भविष्य सुरक्षित है। ये बहुत बड़ी बात है। जो पेरेंट्स पहले सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते थे, आज वो पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में जब भेजते हैं तो उनको भरोसा होता है कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। बच्चों के अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा हुआ है। अब अगला स्टेप लेने का समय आया है। अब ये तय करने का समय आया है कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है और कैसे पढ़ाया जा रहा है। हम शिक्षा क्यों देते हैं अपने बच्चों को? हम शिक्षा देते हैं 3 कारणों से, और अब वो तीनों लक्ष्य, ये जो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया जा रहा है, ये 3 लक्ष्य पूरे करेगा। पहला लक्ष्य, हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो कट्टर देशभक्त हों, जो अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हों। हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो आने वाले समय में हर क्षेत्र के अंदर इस देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाने के लिए तैयार हों। उन्हें तैयार करना पड़ेगा अपने बच्चों को, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो। हर क्षेत्र के अंदर हमारे बच्चे देश की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हों, ऐसे बच्चे हमारी शिक्षा तैयार करेगी। अब दूसरा लक्ष्य, हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे किसी भी जाति के लोग हों, चाहे अमीर हों, चाहे गरीब हों, ये सारी दीवारें तोड़ के एक दूसरे को इंसान समझना है और अपना जीवन एक तरफ जहां अपने परिवार के लिए वो करना है, दूसरे अपने परिवार को पालना है, दूसरी तरफ अपने समाज को और दूसरे इंसानों के लिए निस्वार्थ भाव से अपना जीवन जीना है, ऐसे बच्चे बोर्ड तैयार करेगा। और तीसरा, आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है, बड़ी बड़ी डिग्री PhD करने के बाद, BA, BSc, BCom, MCom, बड़ी बड़ी डिग्रियां करने के बाद भी बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, बच्चे घर में बेरोजगार बैठे हैं, ऐसी शिक्षा का क्या फायदा? अब ये बोर्ड ऐसी शिक्षा तैयार करेगा, ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करेगा। हम क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ये बोर्ड बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तैयार करेगा, ताकि जब शिक्षा करके वो निकले तो वो रोजगार ढूंढने के लिए दर दर की उसे ठोकरें ना खाने पड़े, उसका रोजगार उसके साथ तैयार होना चाहिए, ऐसी शिक्षा तैयार की जाएगी। इसलिए इस बोर्ड का गठन किया जा रहा है, ऐसी शिक्षा देने के लिए, ऐसा शिक्षा का कंटेंट तैयार करने के लिए, और प्रक्रिया ऐसी बनाई जाए। आज हमारा पूरा का पूरा शिक्षा तंत्र रटने पे जोर देता है, रटो और साल के अंत में 3 घंटे के पेपर के अंदर उलट के आ जाओ। ये बदलना पड़ेगा, अब रटने पे जोर नहीं होगा, अब समझने पे जोर होगा। एक बच्चे का असेसमेंट साल के अंत में 3 घंटे में नहीं लिया जाएगा, उसका असेसमेंट पूरा साल लगातार चलता रहेगा, उस बच्चे का असेसमेंट लगातार पूरा साल चलेगा। ये इंटरनेशनल स्तर का बोर्ड बनाया जा रहा है, जिसमें ढेर सारे इंटरनेशनल संस्थाओं से सहयोग लिया जाएगा, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को स्टडी किया गया है और भी स्टडी किया जाएगा, और उन इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को हम दिल्ली में अपने स्कूलों में और अपने बोर्ड में लेके आएंगे। इसमें हाई एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए और बच्चों की असेसमेंट करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि रटने के ऊपर से ध्यान हटा के अब समझने के ऊपर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक बच्चे को तैयार किया जाएगा। हमारा ये मानना है कि भगवान ने इंसान को बनाया है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर डाली है, कुछ ना कुछ उसके अंदर स्पेशलिटी, हर इंसान स्पेशल है। वो क्या स्पेशल है,
ये शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी होगी कि उस बच्चे की उस स्पेशलिटी को निकाल के उसकी किस चीज़ में रुचि है और उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसका करियर किस चीज़ में होना चाहिए और उसे कौन सा कोर्स पढ़ना चाहिए, ये शिक्षा प्रणाली निकाल के उस बच्चे को वही सिखाया जाएगा जिसमें वो माहिर है, ना कि एक रट्टू तोता जो अभी बनते हैं वो बनाया जाएगा। दिल्ली में 1000 के करीब लगभग सरकारी स्कूल हैं, 1700 के करीब प्राइवेट स्कूल हैं। इनमें जितने बच्चे पढ़ते हैं, मोस्टली सरकारी स्कूल तो सभी CBSE के, सरकारी स्कूल सारे CBSE के हैं और 1700 जो प्राइवेट स्कूल हैं ये भी मोस्टली CBSE के हैं। इस वर्ष 21-22 एकेडमिक ईयर में 20 से 25 सरकारी स्कूलों को हम एक साथ सारे स्कूलों को इस बोर्ड में नहीं लेके आएंगे। इस साल सबसे पहले साल में 20 से 25 सरकारी स्कूलों को इस बोर्ड में शामिल किया जाएगा, उन्हें CBSE से उनकी एफिलिएशन हटा के इस बोर्ड की एफिलिएशन दिलाई जाएगी। ये कौन से स्कूल होंगे इसका चयन हम वहाँ के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पेरेंट्स के साथ मिलके करेंगे और हमें उम्मीद है कि 4 से 5 साल के अंदर वॉलंटरिली सारे सरकारी स्कूल और सारे प्राइवेट स्कूल जो हैं वो इस बोर्ड में शामिल हो जाएंगे। इसकी एक गवर्निंग बॉडी होगी जिसकी अध्यक्षता एजुकेशन मिनिस्टर करेंगे, इसकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी डे टू डे काम के लिए जिसकी अध्यक्षता एक CEO करेंगे। गवर्निंग बॉडी में, एग्जीक्यूटिव बॉडी में एक्सपर्ट्स होंगे, ढेर सारे इंडस्ट्री के भी होंगे, एजुकेशन के भी होंगे, प्राइवेट के, सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे। और आज इस निर्णय से मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उत्साहित हूँ। मुझे हमेशा ये लगता था पहले राजनीति में आने के पहले, हम लोग NGO में काम किया करते थे, समाज सेवा का काम किया करते थे और हमें ये लगता था कि हमारी शिक्षा प्रणाली काफ़ी ज़्यादा दूषित है जिसकी वजह से देश की कई सारी समस्याएं, अगर शिक्षा को ठीक किया जाए तो देश की कई समस्याओं का समाधान निकल सकता है। पिछले 6 साल की हमारी यात्रा काफ़ी अच्छी रही और मैं समझता हूँ कि अब ये जो अगला चरण है जिसमें इस बोर्ड का गठन किया जा रहा है, इसके ज़रिए शिक्षा के क्षेत्र में मूलचूल परिवर्तन होगा और हमारे जो बच्चे शिक्षित होकर निकलेंगे वो एक तरफ देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार होंगे और दूसरी तरफ अपने परिवार को का पालन पोषण करने के लिए भी तैयार होंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।